मैं हजरत इमरान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सातवें नसल से हूँ, फ्रॉम द फिफ्थ सन ऑफ प्रिंस प्रिंस यासिन सुल्तान। और मैं जी शिजरा वगैरह जो है केस में हम लोग सबमिट करके हैं, अगर आपको चाहिए तो आप दे सकते हैं, आपको अलग से एक कॉपी। एक यहाँ पे जो हमारी एक वक्फ स्टेट है, टीपू वक्फ स्टेट का नाम है उनका, तो उसमें जो है चेयरमैन वहाँ के तनवीर सेठ, एक यहाँ के एमएलए हैं मैसूर के, तो वो उसमें जो है काफ़ी अरसे से उनके वालिद साहब पहले थे, तो फिर बाद में अब वो बन के एक काफ़ी अरसे से जो है उनका ही एक इन्वॉल्वमेंट रहा है उस स्टेट में एज अ चेयरमैन। तो उनके तरफ से कुछ करप्शंस जो है हम लोगों ने नोटिफाई किया, हम लोगों ने रेक्टिफाई मतलब पकड़ा, तो उसके लिए जो है हम काफ़ी बार जो है उनसे मिलके हम लोग जो है उनकी वजाहत के लिए उनसे जो है हम लोग मिलके भी बात करने की कोशिश किए, लेकिन वो जो है कभी भी नहीं। नहीं अवेलेबल नहीं रहे, कभी टाइम नहीं दिए, या बहुत वजह से जो है हम लोगों के साथ में ठीक से उनके साथ में अच्छा तालमेल बैठा नहीं, तो इस वजह से हम लोग जो है मजबूरन ये डिसीजन लेने पे मजबूर हुए कि नहीं हम लोग जो है केस फाइल करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज को भी बचानी है और दूसरा ये जिम्मेदारी है हम लोगों की, तो हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी से पीछे भी नहीं हट सकते। प्रॉपर्टीज जो बाकायदा वक्फ में एक ईसी नंबर होके है उसका, उन सारी प्रॉपर्टीज को बिना किसी के इन्फॉर्मेशन के जो है किसी और को जो है थर्ड पार्टी को सेल कर दे रहे हैं, आउटराइट सेल कर दे रहे हैं। अब वो वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ प्रॉपर्टीज को सेल कैसे कर सकते हैं? अब तो सबसे पहली बात है कि वो प्रॉपर्टी जो थी वो हजरत इब्राहिम शहीद रहमतुल्लाह अलैहि की थी, तो उनको ना तो मेरे खानदान में से कोई, ना ही जब हम लोग यहाँ पे थे जब हजरत इब्राहिम शहीद रहमतुल्लाह अलैहि का जो दौर दौर था, तब जो है ना तो वो ना तो मेरे खानदान में से कोई भी है इस प्रॉपर्टीज को वक्फ किए, तो ये प्रॉपर्टी सबसे पहले वक्फ में गई कैसे? आर्कियोलॉजिकल एएसआई के अंदर में जाती है ये समझ में आता है, क्योंकि हर एक जो है वो जी, बिल्कुल तो वो जो है प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली जो है एएसआई के अंदर चले जाती है, लेकिन वक्फ में कभी कोई किए ही नहीं। अब वक्फ में करके इस प्रॉपर्टीज को जो है ना तो मेरे फैमिली में से किसी को बताया गया, ना किसी से पूछा गया, ना किसी से कोई किसी तरह का कोई परमिशन वगैरह लिया गया। अब वो एज अ एमएलए एमएलए भी हैं साथ में, और कई सारे वक्फ स्टेट का के जो है वो चेयरमैन भी हैं, और इन द मीन टाइम वो टीपू वक्फ स्टेट के भी चेयरमैन हैं, तो ये एक साथ जो है इतने इतने सारे वक्फ स्टेट का जो चेयरमैनशिप जो है, ये एक तो सबसे पहली तो ये तो है कानून के खिलाफ है, और दूसरी बात है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो कमेटी है वो डिसॉल्व हो चुकी है, और दोबारा से वो कभी भी इस कमेटी में अब हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे उनको एज अ चेयरमैन। तो हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि अपने फैमिली में से किसी एक को इस कमेटी में जो है एज अ चेयरमैन हम लोग बैठाएं, या फिर अगर जो है वक्फ बोर्ड के साथ बातचीत करके एक बीच का एक रास्ता निकालें। तनवीर सेठ को जिद थी हम पर बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद थी वहीं पे आशियाना बना। हम जब खिदमत करने के लिए तैयार थे, हमारे जेब से खर्च अखराजात से हम लोग तंजीम जो चला रहे तहरीक खुदादाद की, जब जब टीपू सुल्तान शहीद के इश्यूज पर मस्जिद आला पर इशू हुई हमने आवाज उठाई, जब जब टीपू सुल्तान शहीद का आर्मरी को शिफ्ट हुआ हमने आवाज उठाई, जब जब टीपू सुल्तान शहीद की लेसन कमिटीज को हटाना पड़ा सरकार के खिलाफ हमने आवाज उठाई, जब जब टीपू सुल्तान शहीद पर अनंत कुमार हेगड़े ने बोला हमने उसको डिफॉर्मेशन फाइल कर अवाम के बीच बैठकर एहतजाज कर प्रोटेस्ट किए। बताइए तनवीर सेठ और उनके जो लोग बैठे हैं आज तक एक प्रोटेस्ट किए या टीपू सुल्तान शहीद पर कुर्बानियां दिए? यहां तक कोर्ट केस लड़ने के लिए भी टीपू सुल्तान शहीद के औलादों के ऊपर, इन्हीं के टीपू सुल्तान शहीद के गुंबस के पैसे उनके औलादों के ऊपर केस लड़ने के लिए इन्होंने खर्च किए। हमने कोर्ट को अप्रोच किया, हमें पूरा जुडिशरी पे भरोसा था। हाई कोर्ट अप्रोच करने के बाद हाई कोर्ट ने 2 महीने मुकदमा चलाकर एक एंगल पर डायरेक्शन हमको यह दिया गया कि आप वफ ट्रिब्यूनल पर 4 महीने के अंदर जजमेंट लेकर आइए। अगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये केस फाइल किया था, तनवीर सेठ साहब एक बार से ज्यादा 5 बार चेयरमैन बन चुके हैं। इलीगल जो कमिटी बनी थी जिसमें एक चेयरमैन नहीं दो दो चेयरमैन थे वो भी इलीगल थे, और जितने स्टेट से मेंबर्स लेना था बस उनके चमचों को और उनके फॉलोअर्स को उन्होंने लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह जज ने बड़ा अच्छा फैसला लिया, इस कमेटी को हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। वक्फ बोर्ड को इसकी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, इंशाअल्लाह हमें पता है कि अल्लाह हमारे साथ है, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हमारे साथ हैं, टीपू सुल्तान शहीद के चाहने वाले हमारे साथ हैं, पूरे खानदान के साथ हैं। अब बेवकूफ बनाना ये लोग छोड़ देंगे, आने वाले दिनों में अगर ये लोग हम लोगों को तकलीफ देंगे तो मैं आपको एक सीडी के जरिए बताना चाहता हूं कि इन लोगों की तकलीफ
क्या रहेगी। अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ इंसाफ भी करेगा,